بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي He said my lord put my heart at peace for me and make my task easy for me and remove the knot from my tongue so that they may understand my speech This is the first unit of this book and the name of this book is Mr. Elephant Goes Mad and Other Stories for class 3 एंड द नेम ऑफ दिस यूनिट इज़ द विशेज विशेज का मतलब होता है ख्वाहिशात या तमन्नाएँ वंस अपॉन अ टाइम एक दफ़ा का जिक्र है अ मैन हैड टू डॉटर्स एक आदमी की दो बेटियाँ थी द एल्डर डॉटर वॉज कॉल्ड रोज जो बड़ी बेटी थी उसका नाम रोज़ था या वो रोज़ कहलाती थी द यंगर डॉटर वॉज कॉल्ड आइलीन और उसकी जो छोटी बेटी थी उसका नाम आइलीन था बोथ गर्ल्स वर वेरी ब्यूटीफुल दोनों लड़कियाँ बहुत खूबसूरत थी देयर फादर लव देम डियरली और उनके वालिद उनसे बहुत प्यार करते थे ही गिव देम लॉट्स ऑफ प्रेजेंट्स उनको बहुत से तोहफे भी देते इफ़ रोज़ वॉन्टेड समथिंग अगर रोज़ को कोई चीज़ चाहिए होती हर फादर गॉट इट फॉर हर उसके अबू उसके लिए लेकर आते देन ही वुड गेट समथिंग फॉर आइलीन टू और इसके बाद क्या होता है कि उसको उनको वो चीज़ आइलीन के लिए भी लाना पड़ती इन दिस वे इस तरह से बोथ द गर्ल्स वर कैप्ट हैप्पी दोनों बच्चियों को बहुत खुश रखा गया था यानी वो उसकी बहुत अच्छी देखभाल कर रहे थे दे हैड एवरी थिंग दे विश्ड फॉर और जो भी वो विश करती जिस चीज़ की भी वो तमन्ना करती या ख्वाहिश का इजहार करती तो वो उनके पास होती दे नेवर एवर कंप्लेंट उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं की शिकायत नहीं की द गर्ल्स सून ग्रो अप बच्चियाँ जल्दी बड़ी हो गई एंड बिकेम यंग लेडीज़ और जवान लड़कियाँ बन गई इट वॉज़ नाउ टाइम फॉर देयर फादर अभी उनके वालिद के लिए वक्त था टू फाइंड देम हस्बेंड्स के वो उनके लिए शोहर की तलाश करें ही वॉन्टेड हिज डॉटर्स टू हैव अ हैप्पी लाइफ वो चाहते थे कि उनकी बच्चियाँ एक खुशगवार ज़िंदगी गुजारें ही वॉन्टेड देम टू ऑलवेज हैव व्हाट दे विश्ड फॉर जब भी उन्होंने किसी चीज़ की ख्वाहिश की तो उनके वालिद ने उनको वो मुहैया की और फ्रॉम कि वो चाहते थे कि उनको वो चीज़ दी जाए सो ही ट्राइड हिज बेस्ट टू फाइंड देम गुड हस्बैंड्स इसी तरह से उन्होंने अपनी बेहतरीन कोशिश की कि वो उनके लिए अच्छे शोहर तलाश कर सकें आफ्टर अ लॉन्ग सर्च बहुत ज़्यादा तलाश के बाद द फादर फाउंड अ हस्बैंड फॉर रोज़ उनके अबू ने रोज़ के लिए एक हस्बैंड ढूंढ लिया ही वॉज़ अ गार्डनर वो एक माली का काम करता था एंड ही वॉज़ अ वेरी हैंडसम मैन और वो बहुत ही खूबसूरत इंसान था बहुत हैंडसम था रोज़ वॉज़ थ्रिल्ड टू गेट मैरिड टू दिस गार्डनर और रोज़ उस गार्डनर से शादी करके बहुत खुश थी ही लुक्ड आफ्टर ऑल द प्लांट्स वो सारे पौधों का ख्याल रखता इन हिज गार्डन अपने बाग के एंड टुक स्पेशल केयर फॉर द फ्लावर्स और फूलों की तो वो ख़ास तौर पर हिफाजत करता या देखभाल करता ही लुक्ड आफ्टर हिज रोज़ टू और फ्लावर के नेम से क्योंकि उसकी वाइफ का नाम भी रोज़ है जो कि फ्लावर का नाम है तो यहाँ पर इस वजह से ये नेम यूज़ करके बताया गया है कि वो रोज़ का भी बहुत ख्याल रखता यानी बाकी फूलों के साथ वो अपनी वाइफ का भी ख्याल रखता नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स बहुत ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा था वैन रोज़ वॉज वेल सेटल्ड जब रोज़ अच्छे से सेटल हो गई अपने घर में द फादर बिगेन टू लुक फॉर अ हस्बैंड फॉर हिज सेकेंड डॉटर अब उसके अबू ने अपनी छोटी बेटी के लिए भी हस्बैंड की तलाश शुरू की ही सर्च्ड हाई एंड लो फॉर द राइट मैन और उसने हर जगह उसके वालिद ने तलाश किया कि एक अच्छे इंसान को ढूंढ सकें एट लास्ट आखिरकार ही फाउंड अ हस्बैंड फॉर आइलीन उन्होंने आइलीन के लिए भी एक बंदे को पसंद कर लिया ऐसा हस्बैंड उसके शौहर के तौर पे आइलीन हस्बैंड टू वाज अ हैंडसम मैन और उसका जो हस्बैंड था वो भी एक खूबसूरत इंसान था ही वाज आल्सो अ गुड मैन वो एक अच्छा आदमी भी था बट ही वाज नॉट अ गार्डनर लेकिन वो एक माली नहीं था ही वाज अ टाइल मेकर वो टाइल बनाने का काम करता था यानी मिट्टी से जो टाइलें बनाई जाती हैं तो कुमार कह सकते हैं जिसको तो टाइलें बनाने का काम करता था द टू डॉटर्स वर हैप्पी दोनों बेटियाँ बहुत खुश थी इंडीड बेशक दे लिव्ड अ सिंपल लाइफ वो एक सादा ज़िंदगी गुजार रही थी बट इट वॉज़ गुड लाइफ ये एक अच्छी ज़िंदगी थी दे हैड एवरीथिंग दे विश्ड फॉर उनके पास वो सब कुछ था जिसकी वो तमन्ना कर सकती थी एंड दे वर कॉन्टेंट और वो बिल्कुल मुतमइन थी द फादर लिव्ड अलोन उनके जो अबू थे वो अकेले रहते थे नाउ दैट द डॉटर्स वर अवे अब चूँकि बेटियाँ दूर थी ही मिस्ड हैविंग देम एट होम तो वो अपने घर में उनको मिस कर रहे थे याद कर रहे थे वन डे एक दिन ही डिसाइडेड टू गो उन्होंने फैसला किया जाने का एंड विजिट देम उनको विजिट करने का कि उनके घर का दौरा करेंगे फर्स्ट ही वेंट टू सी रोज़ पहले वो रोज़ को देखने गए या उससे मिलने गए हाउ आर यू डियर रोज़ प्यारी रोज़ तुम कैसी हो ही सैड वन ही मेट हर उन्होंने ये उससे कहा जब वो उससे मिले आई होप योर लाइफ इज़ गुड मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी चल रही होगी एंड दैट यू हैव एवरी थिंग यू विश फॉर तुम्हारे पास हर वो चीज़ होगी जिसकी तुमने तमन्ना की
आई एम फाइन फादर, रिप्लाइड रोज़। रोज़ ने जवाब दिया, मैं ठीक हूँ अब्बा जान। एंड माई हस्बैंड इज़ अ गुड मैन, और मेरा शोहर एक अच्छा इंसान है। ही लुक्स आफ्टर मी वेरी वेल, वो मेरी बहुत देखभाल करता है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। ही गिव्स मी एवरी थिंग आई विश फॉर, और मुझे हर चीज़ मुहैया करता है जिसकी मैं तमन्ना करती हूँ। सो यू आर क्वाइट हैप्पी, सेड द फादर। उसके अब्बू ने कहा, इसका मतलब है तुम काफ़ी खुश हो। येस फादर, सेड रोज़। रोज़ ने कहा, जी हाँ अब्बू जान, आई एम ब्लिसफुली हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। बट लेकिन But what? Ask her father. उसके अबू ने कहा, लेकिन 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 क्या? Well, continued Rose, if I had one wish, I would wish for. अब रोज़ अपनी बात को कंटिन्यू करती है, जारी करते हुए कहती है कि हाँ, अगर मैं तमन्ना करती किसी चीज़ की, विश फॉर व्हाट माय डियर? अब उसके आज द फादर, उसके अबू ने ये बात पूछी कि तुम किस बात की तमन्ना करती मेरी प्यारी बेटी, टेल मी, मुझे बताओ। आई वुड विश फॉर रेन, रिप्लाइड रोज़ एट लास्ट। आखिरकार रोज़ ने जवाब दिया कि मैं बारिश की तमन्ना करती हूँ। आई वुड विश दैट देयर वॉज अ हैवी फॉल ऑफ रेन, मैं ये तमन्ना करती कि बहुत ज़ोर की बारिश हो। माई हस्बैंड वर्क सो हार्ड इन द गार्डन एवरी डे, मेरे शोहर हर दिन बाग में बहुत मेहनत से काम करते हैं। विदाउट अ गुड शावर ऑफ रेन, जब तक अच्छी बारिश नहीं होगी, ऑल हिज प्लांट्स विल डाई, उसके पौधे मर जाएंगे या मुरझा जाएंगे। द रेन विल वाटर द प्लांट्स, बारिश से पौधों को पानी मिलेगा। देन दे विल ग्रो इवन बेटर, और वो अच्छे से उनकी नशोनुमा हो सकेगी। He will be happy, वो खुश होगा। एंड सो विल आई, और इसी तरह से मैं भी खुश होगी, यानी जब मेरा शोहर खुश होगा, उसको उसकी मेहनत का फल मिलेगा, तो मैं भी खुश हो जाऊँगी। आई डोंट नो हाउ आई कैन मेक द रेन फॉल, सेड हर वॉरिड फादर, स्क्रैचिंग हिज हैंड। उसके परेशान वालिद ने अपने सर को खुजाते हुए कहा, मैं नहीं जानता कि मैं बारिश के लिए क्या कर सकता हूँ, बट इफ़ आई कैन डू समथिंग, लेकिन अगर मैं कुछ कर सकूँ, आई श्योरली विल, मैं यकीनन करूँगा। आई शैल आस्क फॉर रेन इन माई प्रेयर्स टुनाइट, आज ही रात मैं जब दुआ करूँगा, प्रेयर यानी नमाज पढ़ूंगा या दुआ करूँगा, तो उसमें मैं बारिश मांगूँगा। आई शैल प्रे एवरी नाइट फॉर रेन, और मैं हर रोज़ जो रात में प्रेयर करूँगा, तो मैं बारिश की दुआ मांगूंगा। द ओल्ड मैन देन लेफ्ट हिज डॉटर, अब जो बूढ़ा आदमी था वो वहाँ से चला आया अपनी बेटी को छोड़कर, रोज़, जिसका नाम रोज़ था। ही वेंट होम, वो घर गया। एंड दैट नाइट ही प्रेड एंड प्रेड, उस रात उसने बहुत इबादत की, बहुत दुआ मांगी, दैट इट वुड रेन, कि बारिश हो जाए। फॉर अ वीक ही प्रेड फॉर रेन, एक हफ्ता तक वो बारिश के लिए दुआ करता रहा। बट नो रेन फेल, लेकिन बारिश नहीं हुई। Not long after that, उसके बहुत ज़्यादा अरसे बाद की बात नहीं है, the old man went to visit his second daughter Eileen. तो वो बूढ़ा आदमी अपनी दूसरी बेटी Eileen से मिलने गया। Hello dear father, said Eileen. Eileen ने कहा, Hello प्यारे अबू, How good of you to come and visit me. कितनी अच्छी बात है आप यहाँ आए मुझसे मिलने। Well, said her father, with a twinkle in his eyes. अब उसके अबू की आंखों में खुशी से चमक थी, और उन्होंने कहा, अच्छा, आई वेंट टू सी रोज़ लास्ट वीक, पिछले हफ्ते में रोज़ से मिलने गया। नाउ आई हैव कम टू सी यू, और अब मैं तुमसे मिलने आया हूँ। वट आई डू फॉर वन डॉटर, जो मैं एक बेटी के लिए करता हूँ, आई शेल ऑलवेज डू फॉर द अदर, वो मैं दूसरी के लिए भी हमेशा करता हूँ। दैट्स सो काइंड ऑफ यू फादर, सेड Eileen। Eileen ने कहा, अबू आप बहुत अच्छे हैं, या बहुत मेहरबान हैं, या आपकी बहुत मेहरबानी है, या अच्छी आदत है। बट शी लुक्ड वेरी सैड, लेकिन वो बहुत उदास नज़र आ रही थी। यू लुक ग्लम, सेड हर फादर, Noticing her sadness, उसकी उदासी को भांपते हुए उसके वालिद ने कहा, तुम बहुत उदास नज़र आ रही हो। आई होप नथिंग इज़ रॉन्ग, उम्मीद है कुछ गलत नहीं होगा या कुछ बुरा नहीं होगा। इज़ देयर समथिंग यू नीड, क्या कोई चीज़ तुम्हें चाहिए? इज़ देयर समथिंग आई कैन डू, या कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ? नो नो फादर, सेड Eileen। Eileen ने कहा, नहीं नहीं अबू जान, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। माई हस्बैंड इज़ अ गुड मैन, मेरा शोहर एक अच्छा इंसान है। ही लुक्स आफ्टर मी वेरी वेल, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है। ही गिव्स मी एवरी थिंग वट आई विश फॉर, और मुझे हर वो चीज़ ला कर देता है जिसकी मैं ख्वाहिश या तमन्ना करती हूँ। Then why are you looking so sad? Asked her father. उसके अबू ने पूछा, फिर तुम इतनी उदास क्यों नज़र आ रही हो? I want for nothing, father, said Eileen. Eileen ने कहा, अबू जान मुझे कुछ नहीं चाहिए। But if there is one wish I could have, it is this. लेकिन अगर कोई एक तमन्ना हो जो मैं कर सकती हूँ, तो वो ये है। What's that, my child? What is it? Tell me, said her father. उसके अबू ने कहा, मेरे बच्चे वो क्या है, मुझे बताओ वो क्या ख्वाहिश है? I wish that the dry weather would last forever. मैं चाहती हूँ कि खुश्क मौसम हमेशा रहे, said Eileen. ये बात Eileen ने कही। The sun should shine hot and bright. और सूरज बहुत चमकता रहे, यानी धूप निकली रहे चमकदार किस्म की, all day long, पूरा दिन। Then my husband can make lots of tiles. इस तरह क्या होगा कि मेरे जो husband है, मेरा जो शौहर है, वो बहुत सारी tiles बना लेगा, and they will dry quickly. और वो जल्द ही खुश्क हो जाएंगी।
द ओल्ड मैन सेड नथिंग. अब बूढ़े आदमी ने कुछ नहीं कहा. नाउ ही लुक्ड मिजरेबल इंडीड. और अब वो बहुत मिजरेबल बोलते हैं ऐसी हालत जिस पे बंदे को रहम आए, यानी काबिल रहम हालत में था. इंडीड, बेशक इस वक्त उसकी हालत काफ़ी काबिल रहम थी. ओ डियर ही थॉट टू हिमसेल्फ. उसने खुद से सोचा, ओ प्यारे रोज़ वांट्स रेन. रोज़ को बारिश चाहिए. एंड आइलिन वांट्स नो रेन. और आइलिन को बारिश नहीं चाहिए. हाउ एम आई टू प्लीज देम बोथ. मैं उन दोनों को कैसे खुश कर सकता हूँ. व्हाट एवर डू आई प्रे फॉर नाउ. और अब मुझे किस चीज़ के लिए दुआ करनी चाहिए. एंड दैट इज़ अ प्रॉब्लम ही लिव्ड विद फॉर क्वाइट सम टाइम. और ये वो मसला है जिसके साथ उसे कई यानी कुछ अर्से तक रहना पड़ा. यानी बारिश तो जब होनी थी वो ही, लेकिन जब तक नहीं हुई या जब तक हुई वो परेशान ही रहा और इस प्रॉब्लम के साथ ही उसने ज़िंदगी गुजारी. दिस वॉज द एंड ऑफ दिस लेक्चर. होप यू लाइक इट. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.